हकदार और कड़वा सच है। कणियल का आधार धड़कन धड़कन जुड़ा हुआ है, शिक्षा का संसार, शिक्षा का संसार, शिक्षा का संसार, प्यार भरोसा अदब कायदा जिसके पाए चार, प्यार भरोसा अदब कायदा जिसके पाए चार। रे भैया ये है घर परिवार, रे बबुआ ये है घर परिवार, घर परिवार, घर परिवार, घर परिवार, घर परिवार। बिंदु अगर तुम्हारी तरह ही हर आदमी पढ़ लिख कर अपने खेतों का भी ध्यान रखे तो गांव की तो काया ही पलट जाएगी। शकुंतला तू कह तो ठीक रही है पर तेरी बात में दम नहीं। पूछ क्यों? देख जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसका दिमाग कमजोर हो जाता है, जो उसे याद है वो भूलने लगता है। अब मुझे देख तू, पहले मेरे को याद था, अंग्रेजी याद थी, व्याकरण याद थी और मैथमेटिक्स याद, सारा याद था मुझे शकुंतला, पर मैं सब भूल गया। अच्छा तभी तुम शहर में नौकरी कर रहे हो, क्यों तुम बीए क्यों नहीं कर लेते? बीए? ये बीए का क्या मतलब होता है शकुंतला? तुम बीए का मतलब नहीं जानते, कभी कभी तो मुझे तुम पर शक होता है। शक? शक किस बात का भाई? देख एक बात तो सब बता दूं तुझे शकुंतला, मैं हाई पास तो हुई ना। हाई मतलब हाई स्कूल ना? हाँ वही वही। तो पूरा बोला करो ना, उस दिन भी समझाया था। तो ठीक है तू कहती है तो बोल देते हैं हाई स्कूल। पर शकुंतला एक बात बता, तेरे ये हाई स्कूल करने के बाद में ये वो क्या, हाँ बीए करने की जरूरत क्यों? क्यों? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं साहब की जोरू कहलाऊं? अरे पागल लड़की, तेरे साहब की बीपी कहलाने से बेटा पहलवान की बीपी कहलाना अच्छा होता है। तेरे साहब आपसे कोई नहीं रहता, पहलवान से सारे डरते हैं। डरते हैं ना? बात ऐसी शकुंतला, हाथ मत लगाओ मुझे, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम पढ़े लिखे हो और मैं तुम्हारी बातों में आकर बेवकूफ बनती रही। शकुंतला, ए शकुंतला, अरे बाप रे आज तो बहुत गुस्सा है। देख मैं तुझसे प्यार तो करता हूँ ना, हैं? अरे प्यार तो करता हूँ ना मैं तुझसे, मैं तुझे अपने घर की रानी बना के रखूंगा। ऐसी रानी जिसका पति अंगूठा छाप हो? अब देख यार ये तो कोई बात नहीं हुई। देख शकुंतला हमारे गांव में ये पढ़ाई लिखाई का डमरू बजाना सख्त मना है। हम लोग क्यों पढ़े, क्या कमी है हमारे घरों में? अरे जमीन नहीं, पैसा नहीं, क्या नहीं हमारे, क्यों पढ़े हम? लेकिन हमारे गांव में सब बड़े बूढ़े पढ़ते हैं जबकि मैं और भी। हाँ हाँ समझ गए, चल मान लिया तेरे गांव में बच्चे बूढ़े जवान सारे पढ़े लिखे हैं, पर मेरी एक बात का जवाब जरूर दे, क्या तुम्हारे गाँव के हैंडपंपों में पानी आता है? नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। ये सब कुदरत के खेले हैं, फिर भी अगर तू कहती है तो देख मैं कोशिश जरूर करूंगा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। अरे सुन तो शकुंतला, शकुंतला अरे सुन तो सही, अरे सुन शकुंतला, अरे सुन गिरेगी, अरे भाई अरे सुन तो सही, इतना गुस्सा नहीं करते। मैं तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहती, निपट अनपढ़ अखाड़े की मिट्टी खोदने वाले पहलवान, मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। अरे तू बुरा क्यों मानती है? देख तेरे लिए चार भैंस खरीद दूंगा हैं? और ऊपर से नीचे तक ना सोने में बनवा दूंगा मैं। और इज्जत, जो एक पढ़े लिखे परिवार की इज्जत चाहती है वो? अरे बावड़ी हो रही है क्या हैं? बिल्कुल बावड़ी है, इज्जत का भी कोई जुगाड़ कर देंगे। और रही पढ़ाई की बात, तू चुपचाप रात को मुझे पढ़ा दिया करना। जी नहीं, मुझे वो आदमी पसंद नहीं जो पढ़ाई में भी इतना डर रखता हूँ, तुम में क्या इतनी भी ताकत नहीं? देख बिंदु पहलवान की ताकत को मत चैलेंज कर, समझ गई ना तू? तो एक इशारा करते एक रात में पूरे गांव को जोड़ दूं मैं। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अरे आ रहा हूँ आ रहा हूँ।
ज्यादा सुपारी नहीं खाया करते, गरम हुए हैं। और सुन, अपने बाप से कहिए पिछली बार के पैसे शाम को लेके आ जा, ना तो बिंदु भेज दूंगा। जी मैं उनको बोल दूंगा। शाबाश बेटे, चल। पहलवान जी, पहलवान, दरवाजा बंद कर लो, दीवार भेज लो, कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है। क्या हो गया? क्या हो गया? पहले दरवाजा बंद करो। ओ, क्यों तड़पड़ा रहा है? गांव में लुटेरे आगे के आप कह रहे थे लुटेरों की क्या कमी है? मजाक करे, अपनी भली चाहो तो दरवाजा बंद कर दो। लग कर दिया दरवाजा बंद, बता। अब यूं समझ लो कि हमारे मौत की चिट्ठी फटने वाली है, फटने। जिंदगी पे तगड़ा छापा पड़ गया पहलवान जी, तगड़ा छापा। खान पीन देखने वाले सरकारी आदमी तो नहीं आ रहे? सरकारी आदमियों की बात नहीं है, खान पीन की बात नहीं है, हमारे ईमान पे डंका डलने वाले आ रहे हैं। अपनियों न बताएगा कोई डर। अब ढंग से साफ साफ बता। अब सुनो, वो लालू वाला कोना देख लिया? हाँ देख लिया। मैं उस कोने पे गया तो देखू की मास्टर नहीं खड़ी, वो आपके परिवार के बारे में पूछ रही थी। वो कह रही थी कि मैं बड़े बुजुर्गों को पढ़ाने आई हूँ। मैंने कहा ओ बड़े बड़े बुजुर्ग। वो फिर मेरे पास आई। अब दुखिया भी अली गली नहीं है, मैंने भी कुछ नहीं बताया। बोली मैं मास्टर नहीं हूँ। मैंने कहा दूर ही रहियो। वो कह रही थी कि मैं बड़े बुजुर्गों की पढ़ाई की शुरुआत पहलवान जी के घर से ही करना चाहता हूँ। दुखिया, साजिश, साजिश। एक बीरबन मास्टरनी लक्ष्मण शाह पहलवान जी के परिवार को पढ़ाएगी। अब वो है कौन? अब ये तो मुझे पता नहीं, पर लगती तो किसी भले परिवार की है। भले घर की? घूंघट कर रही थी ना? खुला मुखुला थी। अरे फिर भले घर की कहां से हो गई? पढ़े लिखे घर की होगी। वो तो ठीक है, पहले ये तो देख लो वो आ तो नहीं गई। ना ना, तू देख, चल चल आ, तू देख, तू पूछ रही। गली के कोने पे तुम आए ना? ध्यान से देखिए। मैं ध्यान से ही देखूं? मैंने तो ऐसा लग गया कि किसी ने उसको समझा दिया, या वो खुद ही रास्ता बदल गई, या ये भी हो सकता है पहलवान जी की बिल्ली रास्ता काट गई हो। हाँ, ये भी हो सके। वो समझ गई होगी कि आ गले लग जा गाना मौत के लिए नहीं गाया जाता। अरे मारी गली तो आते आते किस्मत भी फूट जाए, ये तो जरा सी मास्टरनी है, खाम खा डरा दिया तुमने। पहलवान जी, हाँ? कहीं वो घर तो नहीं चली गई? घर चली गई? घर की बीरबानियों को तू समझा ले मास्टरनी, तेरे घर दुकान संभाल। मास्टरनी मैं जा रहा हूं घर। हम मास्टरनी होगी दद्दू, जल्दी जल्दी मोर्चे संभाल लो, खिड़की बंद कर दो सारी। अरे पर बात क्या होगी दद्दू? बात बात छोड़, खिड़की बंद करे। अब तो बताओ क्यों इतने परेशान हो?
अरे गांव में प्लेग फैल गया के? रे प्लेग से भी बड़ी बीमारी फैल रही है। बिंदु भैया नंदू के मामा बाहर हैं। बाहर कित गए? वो तो बाजार गए थे। आप बाजार ही करते रह जाएंगे जब बीमारी मिल गई तो। भगवान के राजवीर का कुछ हो गया, अब रिश्तेदारी में क्या जवाब देंगे? अरे चुप कर बावली, क्यों इतना खामा खा रोई जा रही है? पर हुआ क्या मन्ने ये तो बताओ। अब बात तो बता, साइकिल लगा दरवाजे बंद करने। अब तो बताओ क्यों इतने परेशान हो? घेराव घेराव हो रहा है हमारे परिवार का। जो क्या कह रहा था मास्टर नहीं, हमें खोज के फिर रही है, कह रही है पहलवान और उसके परिवार को पढ़ावेगी। दद्दू इतनी सी बात पे डर गए? अरे वो ऐसे कैसे हमें पढ़ा देगी दद्दू, है हमारे यहाँ कौन सी कमी है? अरे इस बात का तो सवाल ही ना उठता। अरे तू ना समझे, ये हमारे परिवार संस्कारों खत्म करके साची है। हाय हाय, शर्म ना आवे उस औरत को, इन पहलवानों को पढ़ाने की कह रही। यही तो मुसीबत है, दुखिया कह रहा था घूंघट भी ना करे। राम 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 राम, ये कैसी साजिश हो रही है हमारे खिलाफ? मुझे तो लगे हैं कहीं ये अगले महीने होने वाले पंचायती चुनाव की वजह से कोई जासूसी साजिश तो नहीं है। अरे भाभी बिल्कुल ठीक कहा है दद्दू, मुझे तो लगता है कि ये सतवीर चौधरी ने चुनाव जीतने की खातिर कोई चाल चली है। अरे ये सारा उसी का रचा रचाया प्रपंच है। पर हम कौन सा चुनाव लड़े हैं? हो सकता है कमला के भाई जो अपने गाँव के खुद प्रधान है, उनको देख कर ये उन्हें खटका लगा हो कि हम लोग में से कोई चुनाव लड़ रहा है। ये हो सके, और जे ये हो सका तो उसे भी लंबा कर दूंगा। मेरा बिंदु गूंजे गली गली, एक वही तो है जो झोंके को संभाल सके। बजरंग बली की कृपा तो काली भी है। लगता है मास्टर नहीं आली। दरवाजा कौन खोलेगा? दरवाजा मैं खोलूंगा तो तू। अरे नाना आप ना जाओगे, हम जावेंगे, आखिर ये हम औरतों का मामला है। अरे मास्टर नहीं के साथ मास्टर भी हो सके तो मास्टर को भी देख लेंगे। चलो भाई कौन है? अरे तुम मार रहे हो मुझे, अरे कमला, अरे कमला मुझे क्यों मार रही है तू? अरे भैया, अरे मत मारो भैया, अरे भैया, अरे भैया को कोई ऐसे मारता है और तुम सब मिलके मार रहे हो मुझे? राजवीर भाई गलती हो गई, हम समझे मास्टर नहीं आ रही पढ़ाने के लिए। मास्टर नहीं, उसकी इतनी हिम्मत की आपके रहते वो यहाँ आ जाए? आपकी इतनी इज्जत कट गई? अरे इसके लिए पंचायत क्यों नहीं बुलवाते? पंचायत बुलवाएंगे। अरे दद्दू मुझे तो ये सतवीर चौधरी की चाल लागे है, अगले महीने ग्राम पंचायत के चुनाव जो होने वाले हैं। ओ चुनावी हथकंडे, दहशत, तोड़फोड़। अरे हम भी चुनाव लड़ेंगे। अरे तू कैसे लड़ सके चुनाव, तू इस गांव का है ही नहीं। तो क्या दद्दू, हम बिंदु ने चुनाव लड़ाएंगे। हाँ हाँ, और उसे चुनावी हथकंडे सिखाने के लिए मैं यही रुकूंगा। राजवीर तू सच्चा रिश्तेदार है। अरे पहलवान जी, जब इस घर पर ऐसी मुसीबतें मंडरा रही हो तो क्या मैं चुप रह जाऊंगा? बैठ बैठ। अरे थाली वाले था, चाय चुप ला। राजवीर हमारे साथ रहेगा। निकल निकल बाहर निकल, मेरे गांव वालों को दुखी मत कर, निकल। जानता हूं, अरे तू है शैतान, हो जाएगी उठा पटक। झट निकल, झट निकल, चल बाहर निकल। चौधरी इस ताबीज को अपनी बाहीं बाजू में बांध लेना। जा, तेरी सारी दिमागी उलझने दूर हो जाएंगी। जय हो महाराज, जय हो, जय हो। बाबा बाबा, मैं अपने बच्चे के टेढ़े मेढ़े सवालों का जवाब तो अब दे पाऊंगा ना? अरे जवाब कैसी करता है बाप, देख तू देगा वह आंसर। हाँ हमने लगा दिया है साइलेंसर। देख चौधरी, अब तो तू देगा भाषण, भाषण, स्पीच, समझ गया? हाँ एक याली बलाटली यानी।
भला चली। जय बाबा, जय बाबा, महाराज की जय हो। बाबा आप ही के भरोसे ये पूरा गांव चल रहा है। बाबा बाबा इस ताबीज में पूरी ताकत फूंक दी है ना। इस साल पूरा राम ने इलमिसी में फूंक दिया है। जय हो बाबा। अब मैं तुझे ये टोटका देता हूँ। इसे तू कर स्कूल खुलने से पहले फेंकाना। और हाँ, एक दो दाना उस किताब में भी डाल देना तो तेरी समझ में नहीं आ रही है। बाबा लेकिन वो किताब वाला टोटका मेरी समझ में आ जाएगा ना। गाली बला डली। अरे चुनरी, लगता है ये पहुंचे हुए तांत्रिकों की किताबों का कमाल है। हाँ बाबा। अरे पढ़ाई बढ़ाई कुछ नहीं। हाँ ये तो काला जादू है। काला जादू चौधरी। तू जानता है पढ़ाई करने के बाद ये छोरियाँ मर्दों के काम में अड़ी पड़ी है। अरे शहरों में कोई दरोगा तो कोई अस्पताल में सिस्टर तो कोई स्कूल में टीचर बनी पड़ी है। और सुन, कोई कोई तो हवाई जहाज उड़ावे है। और ये सब इसी किताब की करतूते है। अरे साहब उल्टा पुल्टा हो गया। अरे लानत है इसी पढ़ाई पे। हाँ बाबा आप सच कहते हैं। बाबा आप धन है बाबा। बाबा उस किताब को उल्टा देखो या सीधा देखो कुछ समझ में नहीं आता। हाँ बाबा लेकिन उसमें बने हुए चित्र समझ में आते हैं। लेकिन बाबा उस पर क्या लिखा है ये कुछ समझ में नहीं आता बाबा। अरे ये पहुँचे हुए तांत्रिकों का इल्म है, ये तेरी समझ में नहीं आएगा। हाँ वैसे भी तुझ पर शनि की छाया है, इसीलिए तेरे घर में ऐसी ऐसी चीजें आ रही है। अरे बाबा बाबा आप सच कह रहे हैं। बाबा धन्य है महाराज आप सच कह रहे हैं। लेकिन बाबा किसी को ये मत बोलना कि मैं किताब का टोटका पूछने आया था, वरना पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी महाराज। सन मैं तुझे ये टोटका देता हूँ, इसे कल स्कूल खुलने से पहले स्कूल में फेंक आना। महाराज की जय हो। अरे महाराज की जय हो। अरे धन्य है, धन्य है प्रभु, धन्य है महाराज। अरे बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। जय हो बाबा की, जय हो बाबा की, जय हो बाबा की, जय हो बाबा की। यारी बला तली। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी। ए माया, ये तो क्या गिटर पिटर करे है। छोड़े ने, कभी कभी प्यार मोहब्बत की बात भी कर लिया कर। क्या बोल रहे हो, कुछ सुन लेगा। अरे ये किसी की मौत आई है जो पहलवान की बात सुनेगा। ये बताओ कहाँ से आ रहे हो। अरे मैं तो अखाड़े से आ रहा हूँ, तो नजदीक आ इधर। हाँ, लो आ गई। और नजदीक आना। माया और तो सब ठीक है, पर तू ये गिटर पिटर करे ना, मने बिल्कुल ठीक ना लगे। अरे मैं करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, पर तुमने तो मुझे गवार बना दिया है। ये के करेगी तू है, तेरी शादी हो गई, बच्ची हो गई, और के करेगी तू बता। बच्ची अब ए माया, मने पता है मने उस टाइम बहुत कुछ करना चाहिए था, पर अब जो हो गया सो हो गया ना। हाँ छोड़ो, अब इन सब बातों का करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ जो ही तो मैं कह रहा हूँ। अब ए माया, ए हंस देना, हंस देना। वो गजेंद्र कह रहा था तू गाना बहुत अच्छा गाए। मैं हा? और गाना हा? ना ना मुझे नहीं आता गाना वाना। अब एक सुना देना गाना। मुझे नहीं आता। सुना देना। अच्छा मैं गाना तो सुनाऊंगी, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? वो भी हम पहलवाना से। हम पहलवान कोई शर्त नहीं मानते, लटके जोर पे सारी बात मनवा लेते हैं।
तू घुमाओ अपना लट, मैं नहीं सुनाती गाना वाना। ओ ए माया, सुना देना एक गाना। नहीं सुना देना, मैंने तेरी सारी शर्तें मंजूर है। वो दीवार देख रहे हो? हैं? वो दीवार? हाँ। 20 उठक बैठक लगानी पड़ेंगी तब सुनाऊंगी गाना। उठक बैठक बस इतनी सी बात? ईप लगाता हूँ ईप। तो गिनती तू गिनियो? हाँ हाँ मैं गिनूंगी। तो मने गाना भी सुनाना पड़ेगा? बजरंग बली। एक दो तीन चार पाँच। अरे बस बस रहने दो, यही फर्क है तुम में और पढ़े लिखो में, मैं नहीं सुनाती गाना वाना। सुन मारा बेवकूफ बना के चली गई। ए सुन अब बिल्लो होगी, बिल्लो को इधर भेज दे। वो बगीचे में झूला झूलने गई है। चले झूले अंबर झूले, छोड़ के सारे चौके चूल्हे। दीदी हा? क्या मास्टर ने हमें पकड़ लेंगी? हट पागल, मास्टर ने ऐसी थोड़ी होती है। फिर ताऊ जी ने घर के सारे खिड़की दरवाजे क्यों बंद कर लिए? पता नहीं, शायद मास्टर ने इन बड़े बड़े लोगों को पढ़ाना चाहती होंगी। कमली दीदी क्या पढ़ने से घमोरियाँ हो जाती है? हट पागल, ये तुझसे किसने कहा? नहीं बस यही पूछ लिया था, क्योंकि पिताजी और ताऊजी तो घमोरियों से इतने परेशान होते हैं ना। मेरी सहेली मूर्ति है ना, उसके पास बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं और फोटो भी। अच्छा एक्टरों की भी? हाँ फोटो तो बड़े बड़े लोगों की होती है ना। ये बड़े बड़े लोग कहाँ रहते हैं? हर जगह, बस पढ़ना पड़ता है। तो तुम ताऊजी और पिताजी को क्यों नहीं कहती कि वो भी बड़े आदमी बने, फिर उनकी भी फोटो छपेगी? तू तो मेरी गर्दन ही कटवाएगी है ना। ताऊजी तू कह रहे थे कि वो जासूस हैं। हाँ हाँ पता नहीं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ताऊजी पढ़ने से डरते हैं। वैसे अगर वो भी पढ़ने लगे तो हम भी पढ़ सकेंगे, फिर हमें भी खूब सारी किताबें मिलेंगे फोटो वाली। हाँ हाँ लेकिन तू ये सब पिताजी से ना कहियो। अच्छा ठीक है। चल रे झूले अंबर झूले, छोड़ के सारे चौके चूल्हे। माँ, बाबा अपने टाइम में बहुत बड़े पहलवान थे। हारी, अपने जमाने के तो बड़े पहलवान थे, उनके सिखाए हुए उनके चेले आज बड़ी बड़ी जगह में पहुँच गए हैं। माँ एक बात पूछूं, बाबा पहलवानी भी करते हैं और घर का छोटा मोटा काम भी करते हैं, दुकानदारी भी करते हैं, फिर इतने सारी चीजों का हिसाब किताब वो कैसे रखते हैं? बेटा सालों से करते आ रहे हैं, अब तो उनकी आदत हो गई है, इंसान काम करते करते तो सब सीख जाता है। कोई नहीं, ये सब तो कहने की बातें हैं, जब तक इंसान को पूरा पता ना हो। फिर तूने बकबक शुरू कर दी। हाँ तेरे बाबा को सब कुछ पता है समझी? कोई नहीं, सब कुछ पता होता तो आज बिल्लो की ये हालत ना होती। तूने फिर पुरानी तारें छेड़ी, मैंने तुझसे कई बार कहा है कि मेरे सामने तू लिखाई पढ़ाई की बातें ना किया कर। क्यों ना क्या करूं? मेरी सहेली कहती थी कि पढ़ाई लिखाई करने से क्या कहे हैं, ज्ञान बढ़ जाता है और इधर उधर की बातों का पता पड़ता है। इधर उधर तुझे क्या जरूरत बेटा इधर उधर की बातों से, तुझे तो एक ही जगह जाना है ना, ससुराल। हटो माँ, लगता है बिल्लो जवान हो गई है, अब इसके लिए भी लड़का देखना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ये भी पढ़ाई लिखाई के बवंडर में ना फंस जाए। भाभी इसे छोड़ो मैं कर दूंगी। अरे तू अपना काम खत्म कर ले पहले। भाभी बिंदु देवर जी सुबह से बाहर गए, पता नहीं अब तो क्यों नहीं आए। रात होने को आई, बैठा होगा कहीं चौपाल में गप्पे लड़ाने, उसके तो मिजाज शुरू से ऐसे ही हैं।
भाभी मेरी मानो तो समझा बुझा कर उनकी शादी कर ही दो। अब हम कौन सा ना करे हैं, छोरा मारे तब ना। अब देखो कमला के भाई जी ने बीड़ा उठाया है, शायद कोई काम बन जाए। भाई जी ने कहा है काम तो जरूर होगा, गांव प्रधान जो ठहरे। अब गांव प्रधान है तो कोई ब्याह के मंत्र थोड़ा ही पड़ेगा, अब उसके लिए तो भाग दौड़ करनी पड़ती है। भाग दौड़ तो करेंगे ही, अब घर की बात है, वो कौन सा इस घर से अलग है। इसमें अलग बात क्या है, अगर अलग होते तो हर समय मेहमान का दादा क्यों लगा रहता। अरे चल अब बस कर, कहीं नजर ना लगे। माया दीदी की नजर नहीं लगेगी, इनके तो चश्मा चढ़ा है। अब रहने दे, उसे तंग न कर, वैसे ही बिचारी किताबों की मारी हुई है। तो भला हो उस लमले फकीर की मजार का, जहां इसकी जान बच गई, वरना किताबों ने इसे मार ही दिया था। माया दीदी तुम 6 जमात तक कैसे पढ़ी। अरे पढ़ना क्या था, वो तो मेरे शहर के मौसा जी की जिद थी। तो फिर तुम्हारी आंखों में जलन कैसे होने लगी थी। पता नहीं, एक दिन पढ़ते पढ़ते चक्कर आ गया और जब आंखें खुली तो आंखें सितारे नाच रहे थे। किसी ने टोटका किया होगा। टोटका? टोटका तो उसके घर में ही था, इसके घर की अलमारी में 4-5 किताबें जो रखी थी। ना ना ऐसी बात ना है, सच कहूँ तो पढ़ाई से कोई नहीं मरता। तो फिर ये सब लोग पढ़ क्यों नहीं लेते। और क्या, यूं ही गांव में पंचायत बिठाने की बात हो रही क्या। दरअसल ये लोग पढ़ना नहीं चाहते, इन्हें शर्म आती है। वैसे देखा जाए तो जेठी को कितना नुकसान उठाना पड़ता है, वही खाते के लिए हर महीने उस मुनीम को बुलाना पड़ता है, 500 रुपए लगते हैं हर महीने। हाय हाय, ये कैसी बातें कर रही है। तो क्या अब हम आदमियों के खर्चे पे नजर रखेंगे। वो कौन कह रहा है भाभी, हम तो ये कह रहे हैं ऐसा ना कोई हमें पागल बना जाए। अरे सदियों से ऐसा ही हो रहा है, अब कौन सी नई आफत आ गई। अब छोड़ो तुम दोनों अपनी अपनी वकीली, चलो खाना बनाना है। ताल ठोक के पूछ बैठ के अक्कड़ पाकड़ ऐठा, गदा बांध के सीना फुला के घुटनों के बल बैठा। लठा लठे तैयारी है पर कहीं तो कुछ है खट्टा, विद्या दान के बिना रे बबुआ मंजिल पे जा अटका। मंजिल पे जा अटका, मंजिल पे जा अटका। वफादार नहीं मसल वो मछली, अक्षर में है सार, अक्षर में है सार, अक्षर में है सार। दाव पे चुआर उठा पटक भी शिक्षा से लाचार, शिक्षा से लाचार, शिक्षा से लाचार। रे भैया ये है घर परिवार, रे बबुआ ये है घर परिवार।